맞춰봐. अरविंद केजरीवाल जी का नाम सामने आया है और कहा है कि चैट्स मिले हैं उनके और हवालों ऑपरेटर्स के। देखिए, ईडी ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में बोला हुआ है उससे हमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गोवा का पूरा चुनाव पंजाब का पूरा चुनाव शराब घोटाला का रुपया से ही कंडक्ट किया था। ये आज सब लोगों का सामने आ चुका है, इसमें कोई अभी डिस्प्यूट नहीं। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है स्वाति मालेवाल केस में बीजेपी ने उनको आगे किया है और बीजेपी की कल संजय सिंह जी ने क्या किया था? आम आदमी पार्टी का आज अरविंद केजरीवाल का बात नंबर दो लीडर कौन है? संजय सिंह ही है। मनीष सिसोदिया तो जेल का अंदर है, तो जेल का बाहर जो सेकंड लीडर है कौन है? संजय सिंह है। संजय सिंह ने परसों दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया कि स्वाति मालियावाल को मारपीट किया गया था। अभी आप आतिशी का बात मानेगा कि संजय सिंह का बात मानेगा? पहले अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल के बोलने दीजिए कि आतिशी मेरे लिए बात कर रहा है या संजय सिंह मेरे लिए बात कर रहा है। दोनों एक आदमी का दाया हाथ उल्टा बोलेगा, बायां हाथ पलटा बोलेगा, ऐसा पॉलिटिक्स केजरीवाल जी ने किया है, करते रहने दो। लेकिन भारत का लोगों का इतना पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, जो व्हाइट है हम व्हाइट देख सकता हूँ, जो ब्लैक है हम ब्लैक देख सकता हूँ। इतना भी पॉलिटिकली हमें इमेच्योर समझना नहीं चाहिए। आप हमें बताइए, संजय सिंह सच बोला था कि आज आतिशी ने सच बोला है? सर, और इतना लोगों का सपोर्ट है, रात 8 बज चुका है, लोग धरा पड़ा है,
प्रभु जगन्नाथ ने जरूर संबित भाई और ओम प्रकाश भाई को आशीर्वाद दिया होगा, नहीं तो ये संभव नहीं है। सर मोदी जी के 400 पार बताते आप कैसे करोगे? 400 पार तो हो ही गया है, चौथा शरण में हम लोग जितना सीट मिला हूँ अगले 3 शरण में इस हिसाब से मिलते रहने से हम 410-15 तक पहुँच जाऊंगे। साल द्वार भी खुलना है, रत्न भंडार का सभी भी निकालना है, ऐसे नहीं होते हैं। ये हमारे जो मंदिर का सभ्यता है, मंदिर का संस्कृति है, ये हमने नहीं बनाया, हमारा बुजुर्ग ने बना के गया है, ये हमारा परिचय है। अगर रत्न भंडार का साबी गुम होते हैं, किसी का अरेस्ट नहीं होता है, साबी नहीं मिलता है, जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट असेंबली में पेश नहीं होता है, इससे बड़ा पॉलिटिकल क्राइम क्या हो सकता? मैं नॉर्मल क्राइम नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल क्राइम बोल रहा हूँ। पंडियान जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आप जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट असेंबली में आप पेश नहीं क्यों नहीं किया? आज आप नवीन बाबू का मुंह से कुछ भी मत बुलाइए, इसलिए नवीन बाबू जो भी हालत में है उनको हम सम्मान करता हूँ, उससे कोई हमारा बात नहीं है। लेकिन पंडियान जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आप रिपोर्ट क्यों छुपा के रखें? क्या उसमें आपका नाम है? जरूर आपका नाम होगा, नहीं तो आप रिपोर्ट दे देते थे। आप क्यों रिपोर्ट नहीं दिया? जुडिशियल कमीशन का इंक्वायरी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी नहीं है। जुडिशियल कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट असेंबली में पेश नहीं करने का अंदर में कुछ तो दाल में काला होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ हर सभा में, 10 तारीख का पहले साबी निकाल दीजिए, नहीं तो बाद में लफड़ा हो जाएगा। सर और एक बात है सर, मंदिर में सवाल देखिए, असम में हमारा सरकार हुआ, छोटे प्रदेश है, पहला साल में ही हम 1 लाख नौकरी दे दिया, इसमें मोदी का गारंटी। छत्तीसगढ़ में हमने बताया कि MSP 3100 करूंगा, तुरंत हमने 1 महीना में कर लिया। इसीलिए जो मोदी जी का प्रमुख पास से गारंटी होता है, ये गारंटी पक्का होने वाला गारंटी है। पहला साल में 1 लाख नौकरी, 5 साल में 3 लाख नौकरी हम लोग देने वाले हैं। यहाँ के लोग भी श्री मंदिर मतलब जाके दर्शन कर सकते हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इसीलिए हमने बोला कि सारू द्वार खोल देना चाहिए। अगर सारू द्वार से यात्री जाना शुरू करे, एक द्वार पुरी के लिए दीजिए, एक द्वार उड़ीसा के लिए दीजिए, एक द्वार आप भारतीय के लिए दीजिए, एक द्वार विदेशी के लिए दीजिए, मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन मैनेज लोग करना नहीं चाहते, श्रद्धा नहीं है। कौन नहीं चाहते? पंडियान नहीं चाहते और कौन नहीं चाहते? पंडियानी तो आज का दिन में उड़ीसा का मालिक है, और कौन है उड़ीसा में? कोई मंत्री है यहाँ में? कोई मंत्री का नाम आप जानते हैं? स्टेज में तो नवीन बाबू और पंडियानी रहते हैं। मैं नवीन बाबू का ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी बसा कौन है? 5T कौन? टेरर, टायरेनी, टॉक्सिक, ये 5T कौन? पंडियान जी तो है और कौन? तो सारे उड़ीसा तो पंडियान जी का इशारा में ही चल रहा है। 10 तारीख खत्म हो जाएगा, श्री मंदिर का द्वार भी खुल जाएगा, राम मंदिर दिखाने के लिए लोग मेरा हिसाब से तो ले जाना चाहिए, हम लोग भी लेके जा रहा हूँ। और उड़ीसा से उड़ीसा जब हमारा BJP का सरकार बनेगा, मेरा निवेदन होगा, मैं तो उड़ीसा का बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। इसीलिए मैंने ओम प्रकाश जी को बोला हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी को बोलिए 5 लाख लोगों को राम मंदिर दर्शन करने के लिए ले जाना है, बहुत अच्छा लगेगा। जगन्नाथ का ही एक रूप है राम कृष्ण, एक जो कृष्ण भक्ति का जगन्नाथ भक्ति का जो परंपरा है वो और तेज होगा। हम कभी भाई भाई नहीं थे, चुनाव हम लड़े, चुनाव में हम हार गए। अगर हम चुनाव में हार जाते हैं तो हम क्या करेंगे? लास्ट टाइम पुरी में हमने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। हम तो भाई भाई जैसा चुनाव नहीं लड़ा, हम तो पूरा टक्कर दिया, कोई कारण में हार गया। हार जाने का बाद जनता का जो राय होते हैं उसको पालन करना हमारा धर्म है। उड़ीसा में विधानसभा कितने सीट है? हमारा तो मेरा अपना हिसाब से 75+, लोकसभा 15+, आप लोग रिकॉर्ड करके रखिए। सर BJP बोल रहा है कि मैं सरकार बनाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर यहाँ का नवीन जी बोल रहा है वो सपने देख रहा है BJP। सपना होता है कि हकीकत होता है वो 10 तारीख को 7 तारीख को ही पता चल जाएगा, 20 दिन का ही तो बात है। ओके सर, थैंक यू।
केजरीवाल गहलोत आज उड़ीसा आने से दुख काटते हैं। 5 साल में कोई युवाओं को नौकरी नहीं मिला, 1 लाख पोस्ट सरकार में खाली है। उड़ीसा का लोग गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं नौकरी का तलाश में। अगर गुजरात का सूरत में जाते हो आप उड़िया भाई बहन को देखने मिलेगा, क्यों आया है? उड़ीसा में नौकरी नहीं है इसीलिए हम यहाँ आया हूँ। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ ने उड़ीसा को सब कुछ दिया है। आज उड़ीसा में जितना आयरन ओर है, उड़ीसा में जितना कोयला है, अगर उड़ीसा को अच्छा नेतृत्व मिले गुजरात महाराष्ट्र भी उड़ीसा के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएगा। इतना शक्ति उड़ीसा में है जे आमे अथरु भाई ना कौ संगे तो आगू चल पछू हो ना। मार्च 26 तारीख दिन मोर भाई भाई मैंने जो बड़े मत भाग्य देने एवं कहले बड़ नेतार आवश्यकता नहीं, बड़ नेतार आवश्यकता नहीं। आम समस्त जो मान पाखे तुम्हें 10 वर्ष धरी भलर मंदिर दुख सुख ठिया हो आम तुम मां भौणी तुम मुरबी मैडम, यहाँ पे आज मिट्टी पे 11,000 से भी ज्यादा लोग आए हुए हैं। सपनों की रानी पर राजनीति की महारानी, यह वाक्य हेमा मालिनी जी के बहुमुखी व्यक्तित्व को संजीवनी प्रदान करता है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपने छाप छोड़ने के बाद राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ में समीर पात्रा जी हैं और यहाँ के MLA कैंडिडेट ओम प्रकाश मिश्रा जी भी हैं। उन सबको और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप वैसे यहाँ पर आती रहती हूँ, मैंने कहा। और यहाँ पर बदलाव दिख रहा है, लेकिन पिछले 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। पूर्व आसीगले किंतु मु अकिंचन लेट रे आसी तापाई मु हेमंत विश्व शर्मा दादा को आपन समस्त को क्षमा याचना करूची। मु ट्रैफिक रे फसी जाइथिली, हेमा मालिनी दीदी को रोड शो थिला सेठू बाहर के आसीबारे समय लागिला, से पाई मु क्षमा याचना करूची। आ गोटे निवेदन करूची, आमे हेमंत दादा को पूरा भाषण शुणीबा तापरे उठिकी जिबा, मु अधिका कहिबिनी, मु 2-3 मिनिट कहिबी, काहेकि कि आमे आजि आमर मुख्य वक्ता मुख्य आकर्षण हेमंत विश्व शर्मा को सुनिबा पे आसीछु। जोरदार करताली रे आमे समस्ते हेमंत विश्व शर्मा कर स्वागत करिबा, अभिनंदन करिबा। मंच पर आदरणीय सांसद महोदय हेमा मालिनी भी अच्छा, आमर ओम प्रकाश भाई मध्य अच्छा, ताली करिबा। समस्त सरपंच जिला परिषद नोमिनी मंडल सभापति बीजेपी वयोजस्क कार्यकर्ता मानू प्रणाम, आपण समस्त को प्रणाम। बंधुगण, गत निर्वाचन 2019 रे मात्र 11,000 भोट व्यवधान रे मु रही जाई थी। आसाम का GDP 6 लाख रुपया का है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बात बताना चाहूंगा। हमारा बीजेपी का सरकार है 36 करोड़ में, हमारे बीजेपी का सरकार है मध्य प्रदेश में, हमारा बीजेपी का सरकार है असम में। मध्य प्रदेश में
हर महीना हमारा माता और बहनों का बैंक अकाउंट में सरकार 1250 रुपया देता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है, हर महीना बैंक अकाउंट में हम लोग 1000 रुपया देता हूँ। असम में बीजेपी का सरकार है, संबित जी हमारे कोऑर्डिनेटर है, इंचार्ज है, हम लोग हर महीना माता हुआ बहनों का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया देता हूँ। लेकिन आप लोगों को हमारे नवीन बाबू को सरकार में हमारे माताओं को कुछ मिलते हैं, कुछ महीने कुछ मिलते हैं, पंडियम कुछ देते हैं आप लोगों को।